येस वी आर लाइव तो जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग भी क्लास लाइव हो चुकी है और आप लोग भी जल्दी से जुड़ जाइए सभी को शेयर कर देंगे मैंने शेयर कर दिया है व्हाट्सएप पे एंड टेलीग्राम पर आप लोग भी शेयर कर देंगे ओके चलो एक बार कन्फर्म करेंगे वीडियो एंड ऑडियो क्लियर है गुड आफ्टरनून अभिषेक जी रेखा सिंह नीलम सिंह राठौर निर रिम्पल लक्ष्मी चौहान रवि पूजा स्मिता सीता सिंह एक बार कन्फर्म करेंगे कि अब क्लियर है थैंक यू आजाद जी चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को ओके ओके फर्स्ट क्वेश्चन है गोल्स वर्दी इसमें भी हमने फिफ्टी क्वेश्चन रखे हैं आपके गोल्स वर्दी के तो जल्दी जल्दी करने वाले हैं रिवीजन की सीरीज है ये ओके थैंक यू गर्ल्स वर्दी मेट हिम इन एटीन नाइनटी थ्री एंड फॉर्म अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विद हिम आइडेंटिफाई हिम तो गर्ल्स वर्दी अठारह सौ तिरानवे में उनसे मिले और उनसे एक लॉन्ग फ्रेंडशिप हो गई एक लॉन्ग एक आजीवन मित्रता स्थापित हो गई आइडेंटिफाई करना है वो पर्सन कौन है जिनसे वो अठारह सौ तिरानवे में मिले थे और उनसे एक लाइफ लॉन्ग दोस्ती हो गई थी ओके ए के गौतम जी गुड आफ्टरनून शेयर कर देंगे आप लोग भी सभी को अभी सेवेंटी लोग लाइव सेवेंटीन लोग लाइव हैं और लाइव की संख्या बढ़ाना आप लोग का काम है वनीता गुड आफ्टरनून तो कॉन्ड्राइड है हार्डी है शॉ है इप्शन है यस yes. बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा कॉन्ड्रायड जोसेफ़ कॉन्ड ही हैं जिनसे मुलाकात उनके अठारह तिरानवे हो तिरानवे में होती है और जहाँ से उनकी एक लाइफ लॉन्ग दोस्ती हो जाती है नेक्स्ट वन पे आएंगे द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गर्ल्स वर्दी एंड टाइटल फ्राम द फोर विंड्स अपीयर इन 1897 अंडर द अंडर ऑफ तो इसका बताना है कि गर्ल्स वर्दी का जो फर्स्ट वॉल्यूम है जिसका टाइटल क्या है फ्राम द फोर विंड्स था और अठारह में यह किस सूडोनिम के तहत आया था जॉन गर्ल्स जॉन सिंह जॉन बॉज या फिर एलिया रिवीजन सीरीज है आप अप लोग अपना स्कोर भी करते रहिएगा कितना आपने स्कोर किया है यस गुड आफ्टरनून आरती राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा जॉन सिंह जॉन इन्होंने 1804 से पहले 1804 से पहले इनके जितने भी वर्क आए हैं ना वो इनके शूडोनिम इनका एक उपनाम था जॉन सिन जॉन ये अपने रियल नेम से पब्लिश नहीं करवाते थे अपनी बुक बुक के नेम पर अगर ऑथर का नाम रहता था तो जॉन सिन जॉन का नाम रहता था और नाइन सॉरी नाइनटीन सॉरी 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 नाइनटीन जीरो फोर में नाइनटीन जीरो फोर में द आइलैंड फेरेसी जब इनका वर्क आया तो वहाँ पे उन्होंने उन, अपने शिडोनिम को ड्रॉप कर दिया और ये पहला इनका वर्क था आइलैंड फेरेसिस जो 1904 में आया था इनके रियल नेम से आया था ये ध्यान रखना इनके रियल नेम से आया था ओके हम्म हाँ वो गलती से हो गया एटीन जीरो मुझे लगा मैं नाइनटीन जीरो फोर लिखी हूँ बाद में ध्यान दिया वो एटीन जीरो फोर है चलिए हाँ यहाँ पे जॉन सिंह जॉन हो जाएगा ये ध्यान रखना और ये भी ध्यान रखना है 1904 में बहुत सारे फैक्ट यहाँ पे मिलता है कि 1904 में इनका जो वर्क आया था दी आइलैंड ऑफ फेरिसिस इन्होंने अपने शिडन एम को ड्रॉप कर दिया था इनके रियल नेम से आया था और 1904 में इनके फादर की डेथ भी हो जाती है ये भी ध्यान रखना है यस yes, बहुत बढ़िया अभिषेक जी चलिए नेक्स्ट गोल्स वर्दीज फर्स्ट नॉवल वॉज पब्लिस्ड इन एटीन नाइन्टी एट विच अच्छे लाल भारती जय भीम इसका बताइए गोल्स वर्दी का फर्स्ट नॉवल वो कौन सा है जो अठारह में पब्लिश हुआ था जोसी लिन, जो, जोसी लिन है कि विला रूबीन है अ मैन ऑफ द डेविन अ नाइट है या फिर द साइंस है क्या है वो पहला नॉवेल यस जोसी लिन, जोसी लिन। ये पूछा भी गया था ना जो लेना है गुड आफ्टरनून गीता राय चलिए नेक्स्ट पे आएंगे ये अठारह में आया था नेक्स्ट पे आएंगे इनका नॉवेल है वो आई रीड इन वेरियस चैम्बर प्रैक्टिस ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल एंड डिस लाइक मर प्रोफेशन थॉरली हु सेट किसने कहा था कि मैंने अलग 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 चैम्बर में पढ़ा लगभग बिल्कुल अभ्यास भी मैंने नहीं किया था और मैं क्या कर रहा हूँ अपने पेशों को पूरी तरह से नापसंद किया मतलब मैंने अलग अलग चैम्बर में पढ़ा लगभग बिल्कुल अभ्यास नहीं किया और अपने पेशे को पूरी तरह से नापसंद किया ऐसा किसने कहा है तो ऑब्वियसली हम गोल्स वर्दी कर रहे हैं तो यहाँ पे गोल्स वर्दी हो जाएंगे नेक्स्ट बर्न इट एंड यू विल ऑब्लाइज मी अबाउट विच डज गोल्स वर्दी टॉक हेयर इसे जला दो और तुम मेरा उपकार करोगे तो गोल्स वर्दी यहाँ किस के बारे में बात कर रहे हैं हाँ गोल्स वर्दी यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं फ्रॉम द फोर विंड जोसी लिन सिल्वर बॉक्स नन ऑफ दीज किसके बारे में वो बात कर रहे हैं तो इनकी जो शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था फ्रॉम द फोर विंड्स ये कुछ इनका पब्लिश जो हुआ लेकिन कुछ फेमस वमस नहीं हुआ था और इन्होंने इसे ही कहा था बर्न इट एंड यू विल अब्लाइज मी हाँ यस नेक्स्ट यस यस अनसक्सेसफुल था वो द फर्स्ट वर्क दैट अंड गर्दी वॉज द नोवेल आइडेंटिफाई इट तो गोल्स वर्दी का वो फर्स्ट वर्क कौन है जिनसे उनको ख्याति मिली यानी कि गोल्स वर्दी की पहली ख्याति दिलाने वाला वो वर्क यानी कि वो उपन्यास कौन है हाँ फ्रेटर्निटी कंट्री माउस द आइलैंड फेरसी जोसिलिन क्या तो है वो पहला वर्ग तो पहला वो वर्ग वो नॉवल था जिनको उनसे अर्न किए थे वो द आइलैंड फेरिसीज था 1904 में ये आया था और उसी समय इनके फादर की डेथ भी हो जाती है ये भी ध्यान रखना है फादर की डेथ हो जाती है और ये इनके रियल नेम से आया था ये भी ध्यान रखना है और 1904 में ये क्या करते हैं अपने उपनाम को अपने शिड्यूनिम को ड्रॉप कर देते हैं चलिए नेक्स्ट द आइलैंड फेरिसीज होल्ड्स अप अ पिक्चर ऑफ द वेल्दी क्लास रूलिंग इसका बताइए क्या होगा द आइलैंड फेरिसीज धनी वर्ग के शासन की तस्वीर को पेश करता है ये जो आइलैंड फेरिसीज है ये एक वेल्दी क्लास के शासन की तस्वीर को पेश करता है किसके रूलिंग पर किसके शासन पर यस yes. हाँ ओवर द पुअर क्लास एंड फैटनिंग ऑन देम यानी कि जो गरीब वर्ग के ऊपर है और उनका शोषण करके की ओवर द पुअर क्लास एंड ट्राइंग टू मेक रिच की जो गरीब वर्ग के ऊपर और उन्हें अमीर बनाने की कोशिश करके कि ओवर द रिच क्लास एंड फ्लैटरिंग दम या धनी जो रिच लोग के ऊपर उनकी चापलूसी करके एक करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ओवर द पुअर क्लास एंड फाइटनिंग ऑन देम यानी कि जो पुअर क्लास के पुअर क्लास के ऊपर और उनका शोषण करके ये ही सही है नेक्स्ट दी फर्स्ट प्ले दैट मेड गोल्स वर्दी फेमस एज अ प्ले राइट इज तो गोल्सवर्दी का वो फर्स्ट प्ले कौन है जिनसे वो एक प्ले राइट के रूप में फेमस हो गए एक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध बनाने वाला गोल्सवर्दी का पहला नाटक वो कौन सा है फर्स्ट प्ले कौन सा है यस, जस्टिस लॉयल्टी सिल्वर बॉक्स ऑफ़ दीज तो यही है सिल्वर बॉक्स है कब आया था सिल्वर बॉक्स बहुत बढ़िया 1906 में आया था ये इनका फर्स्ट प्ले था चलिए नेक्स्ट गोल्स रेपुटेशन एज अ नॉवेलिस्ट वॉज स्टेब्लिस्ड बाई इसका बताइए गोल्स वर्दी की एक नॉवलिस्ट के रूप में ख्याति की स्थापना किसके द्वारा हुई फोर साइड सागा की जस्टिस जोसिलिन या सिल्वर बॉक्स किसके द्वारा हुई एक नॉवलिस्ट मतलब एक एज ए नॉवेलिस्ट ओके दी फोर सागा, ये कब पब्लिश हुआ था मतलब ये एक ट्रायोलॉजी में आया था बट ये पूरा मिला के कब पब्लिश हुआ था 1922 में इसके अंदर तीन ऑप के नावल्स रहते हैं दो इंटरल्यूड्स रहता है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं दी फोर साइड सागा इंक्लूड्स आगे क्वेश्चन है भी कि फोर साइड सागा में आपके तीन नॉवेल्स हैं दो इंटरल्यूड है तीन नॉवेल्स कौन कौन से हैं दी मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो आया था 1906 में इन चांसरी जो आया था 1920 में टू लेट 1921 में ये तीनों नॉवेल्स हैं एंड टू इंटरल्यूड फाइंड द इंटरल्यूड इंटरल्यूड को उनको फाइंड करना है ये तीनों नॉवेल्स हैं और यही तीनों पांचों मिला के एक ट्राइलोजी बना था और उसका जो टाइटल था टाइटल यही था दी फोर साइड मिला के कब पब्लिश हुआ था नाइनटीन में यहां पे ध्यान से आंसर कीजिएगा सब मिलता जुलता ही है सी 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 तो इंडियन अ फोर्थ साइट एंड अवेकनिंग सी करेक्ट हो जाएगा यस सी करेक्ट हो जाएगा इंडियन अ फोर साइट सागा एंड अवेकनिंग डिटेल्स भी वहां पे सही है हा विच प्ले ऑफ गोल्स वर्डी डील्स विद द इन एडिक्वेसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड द एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल टूवर्ड्स एन स्केप्ड प्रिजनर इसका बताना है क्या होगा गोल्फ वर्दी का वो कौन सा प्ले है जो न्याय प्रशासन की अपर्याप्तता और विभिन्न प्रकार के लोगों के भागे हुए कैदी के प्रति दृष्टिकोण से संबंधित है यस yes. कौन सा वो प्ले है शो जोसिलिन स्केप या फिर कोई नहीं यहाँ पे देखिए एक चीज है स्केप्ड प्रिजनर है की पॉइंट आप देख सकते हैं यहां पे स्केप है यस सी करेक्ट हो जाएगा स्केप है स्केप चलिए नेक्स्ट कब आया था ये आप लोग बताएंगे विच द इंपैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी इसका बताइए क्या होगा मतलब कौन सा प्ले है जो निजी घरेलू ट्रेजिडी पर आधुनिक प्रचार के प्रभाव का विश्लेषण करता है यस yes. मतलब वो डोमेस्टिक ट्रेजिडी है वो द शो ए करेक्ट है बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट विच प्ले कंट्रास्ट ऑफ द वेरियस स्टोरेज स्टोरेज मतलब मंजिल होता है इन अ होटल कौन सा प्ले एक होटल में विभिन्न मंजिलों के भाग्य की तुलना करता है अलग अलग जो मंजिलें हैं उसके भाग्य की तुलना करता है एक होटल में कौन सा प्ले होटल से आप याद रखेंगे मंजिल से याद रखेंगे रूफ मंजिले कहाँ बनती हैं रूफ ओके okay? हाँ द रूफ नेक्स्ट लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड जो साहित्य है साहित्य अपने आप में ही एक रिवार्ड है हु किसने कहा था गोल्सवर्दी अच्छा ये इन्होंने कब कहा था कोई बताए गोल्सवर्दी ने ये बात कब कही थी लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड कोई बता सकता है बता तो सभी सकते हैं क्योंकि सभी को पता होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द ईयर इन विच गोल्स वर्दीज फादर डाइड वॉज ऑल्सो द ईयर ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द दईलैंड फेरिसिस फाइंड आउट द ईयर आ गया वही क्वेश्चन जो बार बार मैं बता रही हूं तो जिस जिस साल गॉल्स वर्दी के पिता का निधन होता है उसी साल द आईलैंड फेरिसिस का पब्लिकेशन भी होता है तो हमें उस साल को फाइंड आउट करना है किस साल उनके फादर की डेथ होती है और किस साल फेरिस आता है 1904 में और एक क्वेश्चन और इसी के साथ ऐड कर लीजिएगा कि इसी साल इन्होंने अपने जो उनका शिड्यूल नियम था उसको ड्रॉप भी कर देते हैं यस नेक्स्ट नेक्स्ट वन पे आएंगे अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गर्ल्स केम इन विद द पब्लिकेशन ऑफ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गर्ल्स वर्दी केम इन विद द पब्लिकेशन ऑफ मतलब गर्ल्स वर्दी के लाइफ में एक महत्वपूर्ण मोड़ किसके पब्लिकेशन के साथ आया गर्ल्स वर्दी के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट किसके पब्लिकेशन के साथ आया बिल्कुल वनीता 1918 में जब उनको नाइटहुड की उपाधि दी जाती है उस समय ये बात वो बोलते हैं बहुत बढ़िया किसके पब्लिकेशन से गर्ल्स के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है यस नाइनटीन सेवेंटीन में उन्हें दिया जाता है बट नाइनटीन एटीन में वो क्या करते हैं रिफ्यूज कर देते हैं तो राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा आपका दी मैन ऑफ प्रॉपर्टी मैन ऑफ प्रॉपर्टी ये इनका नॉवेल है उन्नीस सौ इक्कीस में गोल्स वर्दी, वर्दी क्या बने अवनीश कुमार हैं लाइक कर दो भाई हाँ सभी लोग लाइक कर दो सॉरी 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 दिमाग दी मैन ऑफ प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया यहाँ पे आपका सी पे जाएगा दी मैन ऑफ प्रॉपर्टी यस सी सी बिल्कुल अरविंद सी पे ही जाएगा मैंने गलती से लगा दिया दी मैन ऑफ पॉवर्टी मैंने पढ़ा ही नहीं हो ऐसी ही गलतियाँ होती हैं चलिए लेकिन आपने नहीं करना है वेड गोल्स फॉर बिकम इन नाइनटीन ट्वेंटी वन उन्नीस में गोल्स क्या बने प्रेसिडेंट ऑफ लिटरेरी क्लब की पीएन क्लब लंडन की पीएन क्लब लंडन देखिए सब कुछ मिलता जुलता ही है बी करेक्ट हो जाएगा तो पीएन क्लब e. के ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं ठीक है बी करेक्ट हो जाएगा यस बहुत बढ़िया आपने किया क्लास में एंटर करते ही लाइक करना चाहिए सभी को करना चाहिए वट वॉज कन्फर्ड अपॉन गोल्स वर्दी इन नाइनटीन ट्वेंटी नाइन इसका बताइए क्या होगा गर्ल्स वर्दी को उन्नीस सौ में क्या प्रदान किया गया था ऑर्डर ऑफ डी मेरिट बुकर प्राइज ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था इनको यस ऑर्डर ऑफ मेरिट नेक्स्ट फर्स्ट प्ले ऑफ गर्ल्स वर्दी इज फर्स्ट प्ले ऑफ गर्ल्स वर्दी इज वर्दी का फर्स्ट प्ले क्या है तो सिल्वर बॉक्स है 1906 में आया था इनका फर्स्ट प्ले है ये नेक्स्ट विच अनफेयर एंड पार्शियल ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू पुअर बाय द लॉ गवर्निंग सोसाइटी इट क्लियरली शोज दैट देर आर टू लॉज वन इज मीड फॉर द रिच एंड एनोदर फॉर द पुअर तो गोल्सवर्दी के किस प्ले में समाज को कंट्रोल करने वाले कानून द्वारा गरीबों के साथ किए जाने वाले अन्यायपूर्ण अनुचित और जो पक्षपाती व्यवहार होती है उसका समस्या का विषय है और ये ये बहुत ही क्लियरली दिखाता है कि दो कानून हैं, एक अमीरों के लिए है दूसरा गरीबों के लिए है किस प्ले की बात कर रहा है ये सिल्वर बॉक्स जस्टिस लॉयल्टीज या नन ऑफ दीज मतलब एक कानून अमीरों के लिए है और एक कानून गरीबों के लिए है तो ये सिल्वर बॉक्स में दिखता है बिल्कुल हाँ सिल्वर बॉक्स ही है चले नेक्स्ट स्ट्राइफ डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन तो स्ट्राइफ में किसके किसके बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है स्ट्राइफ में स्ट्राइफ किसके बीच के कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित है सी करेक्ट हो जाएगा मजदूरों और कैपिटलिस्ट यस yes. यानी कि जो पूंजीपति होते हैं और मजदूरों उनके बीच होता है नेक्स्ट पे आते हैं हम जैक बार्थविक अपीयर्स इन जैक बार्थविक किस प्ले में है ये जो कैरेक्टर है किस प्ले में है जैक बार्थविक अपना स्कोर करते रहिएगा सिल्वर बॉक्स में कौन रहता है ये जैक बार्थविक पुअर जॉन्स अपीयर्स इन पुअर जॉन्स जो है ये किस प्ले में अपियर होता है पुअर जॉन्स किस प्ले में अपीयर होता है अगेंस्ट सिल्वर बॉक्स यस सिल्वर बॉक्स चलिए नेक्स्ट एंड स्ट्राइफ द स्ट्राइक टेक्स प्लेस एट इसका बताइए स्ट्राइफ इस में जो स्ट्राइक है वो कहाँ होती है जो हड़ताल है वो कहाँ होती है मिलता जुलता तीनों ही आंसर है ध्यान से पहले पढ़ लीजिएगा तब आंसर कीजिएगा ट्वेंटी फोर का ए करेक्ट हो जाएगा टिनाथा था टिन प्लेट वर्क्स हाँ सभी का ये आ रहा है चलिए बहुत बढ़िया है नेक्स्ट हु इज द लीडर ऑफ द स्ट्राइफ इसका बताइए क्या होगा स्ट्राइफ में मजदूरों का नेता कौन है डेविड रॉपर्स मजदूरों की तरफ से स्ट्राइक कर रहा है नेक्स्ट वन पे आएंगे इन दिस प्ले देर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड इस्टेब्लिश अरिस्टोक्रेसी एंड द लाउड अनकल्चर न्यू रिच मैन्युफैक्चरिंग क्लास ऑफ लंडन सोसाइटी हेल क्रिस्ट एंड हॉर्न ब्लोअर रिप्रेजेंट अरिस्टोक्रेसी एंड पॉवर्टी रिस्पेक्टिवली विच प्ले इज इट तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि इस जो ये जो प्ले है इसमें लंदन समाज के पुराने जो स्थापित अभिजात वर्ग हैं और जो नए नए अमीर वो लोग उनके बीच में संघर्ष दिखा रहा है जैसे कि हेलक्रिस्ट एंड हॉर्न ब्लोअर इस प्ले के ये दोनों कैरेक्टर हैं हेलक्रिस्ट और हॉर्न ब्लोअर ये दोनों क्या है अभिजात वर्ग और गरीबी का रिप्रेजेंट करते हैं आप ऐसे ही जान जाएंगे ये कैरेक्टर किस में है यस स्किन गेम में है इस गेम सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट फोल्डर अपीयर्स इन फोल्डर किसमें अपियर होता है फोल्डर अपीयर्स इन जस्टिस कब आया था नाइनटीन टेन में यस चलिए अच्छा जस्टिस किसके लिए जाना जाता है कोई बताए जस्टिस किसके लिए जाना जाता है हु सफर सोलिट्री कन्फाइनमेंट इन जस्टिस जस्टिस में किसे एकांत कारावास भुगतना पड़ता है फाल्डर को कि पार्थविक को रूथ हनीविल को या किसी को भी नहीं ट्वेंटी एट का फाल्डर फाल्डर यस yes, फाल्डर नेक्स्ट इट इज़ अ पावरफुल सोशल ट्रेजडी ये एक क्या है पावरफुल सोशल ट्रेजडी है इट्सटराइज सेटराइज द कंटेम्प्रेरी इंग्लिश सिस्टम ऑफ लॉ एंड जुडिशरी ये जो समकालीन अंग्रेजी कानून और जो न्यायपालिका प्रणाली को क्या करती है एक व्यंग करती है ठीक है इट्स हीरो सफर्स फ्रॉम द बिटर पनिशमेंट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इसका जो हीरो है वो एकांत कारावास कारावास की कठोर सजा से पीड़ित होता है फाइंड इट आउट अगेन जस्टिस यस जस्टिस नेक्स्ट The growth of an adolescent girl through emotional conflict into a lover and a woman is the theme of इसका क्या होगा मतलब एक किशोर लड़की की जो भावनात्मक संघर्ष के माध्यम से प्रेमी प्रेमी और एक महिला में विकसित होना किसका विषय है स्किन गेम जस्टिस सिल्वर बॉय या फिर सिल्वर बॉक्स सॉरी या फिर जॉय ज्वाई की बात हो रही है यहाँ पेरो की इसमें एक एडोलसेंस गर्ल की बात होती है ठीक है एक लवर एंड वुमेन के बीच का संघर्ष दिखाता है नेक्स्ट द क्लास प्रिजुडाइज ऑफ एन ओल्ड इंग्लिश बैरोनेट फैमिली ये याद रखिएगा की वर्ड है बैरोनेट फैमिली अगेंस्ट द मैरिज बिटवीन द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली एंड द सर्विंग मेड इज द थीम ऑफ मतलब एक पुराने अंग्रेजी बैरोनेट परिवार का एक निम्न वर्ग की नौकरानी के साथ उनके बड़े बेटे की शादी के खिलाफ दिखा रहा है इसमें दिखा रहा है यानी कि एक आधारित पूर्वग्रह का विषय है इसमें तो यहाँ पे देखिए ये भी बैरोनेट फैमिली भी है एल्डेस्ट सन भी है ये कीवर्ड है अगर बाय द वे एग्जाम में इस टाइप का पूछा जाता तो आप ये कीवर्ड याद रखेंगे बैरोनेट फैमिली अगर आपको नहीं याद हो रही है तो एल्डेस्ट सन को याद रख सकते हैं तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा एल्डेस्ट सन का ही है ये बिल्कुल चले नेक्स्ट पे आते हैं फुल क्राई आउट इन मोमेंट ऑफ डिस्प्रेशन एंड हॉरर हुज कॉमेंट इज दिस ये किसका कॉमेंट है मतलब जो गोल्स वर्दी के प्ले हैं उनके जो हीरो हैं वो आधुनिक अस्तित्व के वो अदृश्य भाग हैं जिनके खिलाफ हम क्या करते हैं हम जो गरीब वाले गरीब लोग हैं वो केवल निराशा और भय के क्षण में ही दैनिक जो दैनिक रूप से चिल्ला सकते हैं यह किसका कमेंट है कैप्टन विकेट जॉर्ज सैमसन अलार्डिस निकोल यस सी करेक्ट हो जाएगा अलार्डिस निकोल यस सी करेक्ट है इन द प्ले जॉय अ गर्ल हुई सीनियर बाय द थ्री इयर्स लव्स जॉय ऑफ सेवेंटीन नेम द गर्ल तो प्ले जॉय में एक लड़की जो जॉय से तीन साल बड़ी है सत्रह साल की जॉय से प्यार करती है उस लड़की का नाम बताना है फाल्डर क्लोनेल होप जॉन बिल्डर डिक मार्टेन हाँ डिक मार्टन है वो चलिए नेक्स्ट क्लोनल होप अपीयर्स इन ये किस प्ले में आते हैं एल्डरसन में मॉब में जॉय में किस में आते हैं क्लोनल होप ये किस प्ले के कैरेक्टर हैं जॉय के हैं सी कैरेक्टर जाएगा जिनका भी सी आ रहा है ना वो सही है जो है चलिए नेक्स्ट जॉन बिल्डर इज अन इमेजिनेटिव हॉट टेम्पर्ड मैन इन विच डज ही अपीयर तो जॉन बिल्डर क्या है एक अन इमेजिनेटिव हॉट टेम्पर्ड मैन है ये किस प्ले में दिखाई देते हैं फैमिली मैन की एल्ड्रेस्ट सन मैन ऑफ प्रॉपर्टी किस प्ले में ये दिखाई देते हैं तो आप फैमिली मैन में जॉन बिल्डर ये याद रखेगा ये एक अन इमेजिनेटिव हॉट टेम्पर्ड मैन है फैमिली मैन में है यस नेक्स्ट इन द प्लेयर सिल्वर बॉक्स जैक बार्थविक स्टील्स ऑफ वुमेन्स स्काई ब्लू वेल्वेट सिल्क पर्स वाइल्ड जॉन स्टील्स तो सिल्वर बॉक्स में जो जॉन सॉरी जैक बार्थविक है एक वुमेन की स्काई ब्लू वेलवेट सिल्क पर्स चुरा लेता है वहीं पे जॉन क्या होता है मैम ये सब प्ले हम नहीं पढ़े हैं ऐसे किसी नहीं पढ़े हैं भाई इतना इतना दिन हो गया है आप लोग को तैयारी करते हुए अभी तक आप लोग पढ़े ही नहीं हैं ऐसा तो ना बोलिए कि पढ़े ही नहीं है सिगरेट एक सिल्वर सिगरेट बॉक्स चुराता है ना चलिए नेक्स्ट सी पे आते हैं अरे सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हु इज द पुलिस इंस्पेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स सिल्वर बॉक्स में पुलिस इंस्पेक्टर कौन है स्नो है कुकसन है या वॉल्टर हाउ है कौन है स्नो स्नो ए करेक्ट हो जाएगा बहुत बढ़िया स्नो नेक्स्ट वेल्विन इज एन आर्टिस्ट इन द प्ले वेल्विन जो है वो एक आर्टिस्ट है किस प्ले में स्किन गेम में सिल्वर बॉक्स में पिजन किस में है पीजन. क्या बात है आप लोग सभी लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो लग रहा है फिफ्टी आउट ऑफ फिफ्टी सभी का आने वाला है और बहुत बढ़िया अगर अगर आपका फिफ्टी आउट ऑफ फिफ्टी आ रहा है गोल्स वर्दी पे तो यह आपके टी के लिए स्पेशली टीजीटी टी के लिए ही है वाई डोंट यू रिकोगनाइज वंस एंड फॉर ऑल दैट दिस पीपल आर मैन लाइक योर सेल्फ एंड वॉन्ट वर्ट्स गुड फॉर देम जस्ट एज यू वॉन्ट वर्ट्स गुड फॉर यू योर मोटर कार्स एंड कम शैम्पन एट कोर्स डिनर्स हुई स्पीक दिज लाइन्स ये कौन बोलता है मतलब आप एक बार और सभी के लिए क्यों नहीं पहचानते हैं ये लोग जो हैं वो आपके जैसे ही पुरुष हैं और ये चाहते हैं कि उनके लिए अच्छा हो जैसा आप चाहते हैं कि आपके लिए अच्छा हो ये कौन कहता है स्ट्राइफ की तो लाइन है चलो मैं बता दे रही है स्ट्राइफ की ही लाइन है कौन कहता है ये यहां पे आपका ये दोनों तो कट जाएगा अब बताना है ए और डी में ये कौन कहता है ये एंथनी से कहा जाता है कि आप एक बार और सभी के लिए क्यों नहीं पहचानते ये लोग आपके जैसे ही प्रूस हम्म इसमें हार्निस कहती है हार्निस कहता है सॉरी हार्निस कहता है स्ट्राइफ में वो अपने विरोधियों को कह रहा है कि वो उनके जैसे ही लोग हैं और उन्हें भी अपने लिए अच्छा चाहिए जैसे कि आपको चाहिए और इस बात से पूरा ही स्पष्ट है कि वो सामाजिक और आर्थिक समृद्धि को लेकर विरोध कर रहे हैं ठीक है हार्नेस हार्नेस नेक्स्ट पे आते हैं इसका बताइए क्या होगा ये मे ब्रेक द बॉडी बट ये ये कैन नॉट ब्रेक द स्प्रिट ये मतलब यू गेट बैक टू लंडन द मैन हैव नथिंग फॉर सेज कौन कहता है ये ये बात कौन कहता है यस yes. कि आप शरीर को तोड़ सकते हैं लेकिन आप आत्मा को नहीं तोड़ सकते हैं लंदन वापस चले जाए ये बात कौन कहता है ये भी लाइनें स्ट्राइफ की ही लाइनें हैं ये भी लाइन स्ट्राइफ रॉबर्ट्स कहता है यस रॉबर्ट्स इन स्ट्राइफ रॉबर्ट्स का क्या कहना है इसमें रॉबर्ट्स क्या कहते हैं कि आप शारीरिक रूप से तो आप शरीर को तोड़ सकते हैं लेकिन आत्मा को नहीं तोड़ सकते और उन्हें बोलते हैं कि वो लंदन वापस चला जाए क्योंकि वहाँ के आदमियों के पास उनके लिए कुछ भी नहीं है ए करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट पे आते हैं मे बी योर गॉड अप इन लंडन हैज़ नो टाइम टू लिसन टू द वर्किंग मैन आई एम टोल्ड ही इज अ वेल्दी गॉड बट बट इफ हीन इन कैसिंगटन पे कौन कहता है यहाँ पे बताना है ये कौन कहता है हो सकता है कि लंदन में आपके भगवान के पास काम करने वाले आदमी की बात सुनने का समय हो उन्होंने मुझे बताया है कि वो एक धनी भगवान है लेकिन अगर वो मेरी बात सुनता है तो वो जान जाएगा कि उसने कभी कैसिंगटन में सीखा होगा उससे कहीं अधिक तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब ये कहता कौन है यस yes. यहाँ पे बात क्या आगे कि शायद लंदन में आपके भगवान के पास काम करने वाले आदमी की बात सुनने का समय हो ये रॉबर्ट्स कहता है ये भी ध्यान रखना है ये रॉबर्ट्स ही कहता है रॉबर्ट्स इन स्ट्राइफ मतलब ये रॉबर्ट्स बहुत ही निराश है और बहुत ही गुस्से में है उनका मानना है कि जो धनी वर्ग है क्या सिर्फ धनी वर्ग का ही ईश्वर जो है पक्षपात करता है क्या सिर्फ धनी वर्ग के ही साथ है और जो मजदूर है मजदूर की परवाह नहीं करता है ईश्वर इस इसलिए वो व्यंग्यात्मक रूप से भगवान को धनी होने की होने की धारणा को मजाक उड़ाता है और ये भी कहता है कि अगर भगवान उनकी बात सुनते हैं तो उन्हें अगर वो गरीबों की बात सुनते हैं तो वो जान जाएंगे कि गरीबों की पीड़ा क्या है वो बहुत कुछ उनको भी सीखने को मिलेगा यानी कि भगवान को सीखने का मिलेगा ये रॉबर्ट्स कहते हैं चलिए नेक्स्ट पे आएंगे वेटिंग एंड वेटिंग दैट्स वॉट अ वुमेन हैज टू डू हु स्पीक्स इसमें बताइए इंतजार इंतजार एक औरत और, और क्या कर भी क्या सकती है इंतजार के अलावा ये कौन कहता है इस टाइप की ये भी लाइन है मेज कहती है ये कौन कहता है मेज कहती है वो कह रही है कि एक महिला को करना होता क्या बस इंतजार करना इंतजार करते रहना वो ये अपने अनुभव से कह रही है कि समाज में महिलाओं को अक्सर इंतजार करने का काम ही मिलता है महिलाओं को कुछ और नहीं मिलता मेज ये अपने अनुभव से कह रही है स्ट्राइफ में कि एक औरत के नसीब में क्या है सिर्फ इंतजार 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 ओके okay? ये करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट दैट्स कैपिटल अ व्हाइट फेस स्टोनी हार्टेड मॉन्स्टर हु स्पीक्स ये कौन कहता है इसका बताना है अगेन रॉबर्ट ही कहता है स्ट्राइफ में एक वाइट फेस है लेकिन स्टोनी हार्टेड ये मॉन्स्टर है ये राक्षस है नेक्स्ट वी आर नॉट फ्री एजेंट वी आर पार्ट ऑफ अ मशीन आवर ओनली बिजनेस इज टू सी द कंपनी अर्नस एज मच प्रॉफिट एज इट सेफली कैन हु इज द स्पीकर इसका स्पीकर कौन है यहाँ पे बात क्या हो रही है इसका स्पीकर कौन है मतलब हम कोई हम वी आर नॉट फ्री एजेंट हम कोई एक फ्री एजेंट नहीं है हम एक मशीन का हिस्सा है हमारा जो एक मात्र व्यवसाय ये देखना है कि कंपनी अधिक से अधिक लाभ कमाए ये कौन कहता है वेंकलिंग कहता है ये स्ट्राइफ में वेंकलिंग का ही कहना है इनका कहना ये है कि जो मजदूर हैं मजदूरों को एक मशीन के पुर्जे के रूप में देखा जा रहा है और जिसका ध्यान सिर्फ यही है ये लोग का यही ध्यान है कि हम लोग जो हम लोग मजदूर हैं मजदूरों को सिर्फ एक पुर्जे के रूप मशीन के पुर्जे के रूप में देखा जा रहा है और इनका ध्यान ये है कि अधिकतम सिर्फ लाभ कमाने पर है हम लोग पे नहीं है ए करेक्ट हो जाएगा मतलब हम लोग के दुख तकलीफ से लेना देना नहीं है बस जितना लाभ ये कमा सकते हैं हमसे वॉर इज वॉर द स्पीकर वॉर इज वॉर युद्ध ही युद्ध है ये कौन कहता है तो ये तो यही कहते हैं जिनके कारण सब स्ट्राइक हुआ है सब रायता फैला हुआ है एंथनी कहते हैं स्ट्राइफ में युद्ध तो युद्ध होता है देयर कैन ओनली बी वन मास्टर इन हाउस वेयर टू मैन मीट द बेटर मैन बेटर मैन विल रूल हु इज द स्पीकर मतलब घर में सिर्फ एक मालिक हो सकता है जहां दो आदमी मिलते हैं वहां बेहतर आदमी ही घर में राज करेगा ये कौन कहता है ये भी अगेन एंथनी एंथनी चलिए नेक्स्ट मास्टर्स आर मास्टर्स मालिक मालिक होता है यस मेन आर मेन आदमी आदमी होते हैं एल्ड वन डिमांड एंड दे विल मेक इट सिक्स वो एक मांग एक मांग पूरी करो और वह इसे छह गुना कर देंगे दे आर लाइक ओलिवर ट्विस्ट और वो ओलिवर ट्विस्ट की तरह हैं आस्किंग फॉर मोर जो अधिक मांगते हैं ठीक है इफ आई वर इन दियर प्लेस आई शुड बी द सेम अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी यही करता बट आई एम नॉट इन दियर प्लेस लेकिन मैं उनकी जगह नहीं हूं इज द स्पीकर ये कौन कहता है यहां पर भी ये कौन कहता है हारनेस कहता है हारनेस इन स्ट्राइफ सॉरी अगेन एंथनी ही कहता है एंथनी एंथनी ने स्ट्राइप सॉरी ये भी एंथनी ही कहता है ये मजाक बना रहा है उन सब का जो मजदूर हैं उन सबके उन सबको मजाक बना रहा है ठीक है yes. यस मतलब वो जो मजदूर हैं उनकी तुलना वो किससे कर रहे हैं ओलिवर टूस से कर रहा है ओलिवर टूस जो एक, एक लिटरेरी कैरेक्टर है जो लगातार अधिक मांगने के लिए जाना जाता है तो ये उसी से कर रहा है एंथनी सीम्स जस्ट टू वन मैन सर इज इन जस्टिस टू अदर हु इज द स्पीकर इसका बताइए क्या होगा एक जो एक आदमी के लिए न्यायपूर्ण लगता है सर वो दूसरे के लिए अन्याय है ये कौन कहता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एडगर कहता है कि एडगर ये बात कहता है कि मतलब उनका तर्क है कि एक पक्ष के लिए जो उचित लगता है वो दूसरे पक्ष के लिए अनुचित भी हो सकता है मतलब आपके लिए आपके लिए ये सही लग रहा है लेकिन हाँ जो श्रमिक हैं जो मजदूर हैं उनके लिए ये सही नहीं है चलिए नेक्स्ट अ वुमेन डेड एंड टू बेस्ट सॉरी टू बेस्ट मैन बोथ ब्रोकन हु इज़ द स्पीकर ये कौन कहता है इसका स्पीकर कौन है हाँ एंथनी का बेटा कहता है बिल्कुल इसका स्पीकर कौन है हार्नेस इन स्ट्राइफ एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का विच प्ले मेड अ ग्रेट सेंसेशन स्पेशली स्पेशली इन पार्लियामेंट्री इन ऑफिशियल सर्कल्स अकॉर्डिंग टू गॉल्स वर्डी इसका क्या होगा बताएंगे आप लोग मतलब तो गोल्स वर्दी के अनुसार किस प्ले ने खास कर स्पेशली पार्लियामेंट पार्लियामेंट और आधिकारिक जो आपके ऑफिशियल सर्कल्स हैं में बहुत ख्याति प्राप्त की गोल्स वर्दी के अनुसार किस प्ले ने बहुत ख्याति प्राप्त की स्पेशली पार्लियामेंट्री और ऑफिशियल सर्कल्स में जस्टिस स्किन गेम मॉब एल्डरसन जस्टिस जस्टिस यस नाइनटीन टेन जो म्यूट सीन के लिए जाना जाता है जस्टिस म्यूट सीन के लिए जाना जाता है एंड ट्रायल सीन के लिए जाना जाता है ये एक आयरोनिक है ये भी ध्यान रखिएगा ठीक है फोर्टी नाइन में ओके okay, एक मिनट चलिए इसको कुछ और ही कर देते हैं इसको एंथनी बना देते हैं मिस टाइप हो जाता है ये ठीक है अच्छा करते हो आप लोग बता देते हो हाँ ट्रायल्स इन म्यूट सीन के लिए आपका जस्टिस जाना जाता है तो ये था फिफ्टी क्वेश्चन हम्म कितना स्कोर किया आज तो बता ही दो आप लोग फिफ्टी में कितना स्कोर मुझे लगता है सबका आना चाहिए सबका फिफ्टी आउट ऑफ फिफ्टी ही होगा क्योंकि आंसर आप लोग सब सबको सब लोग सब क्या कर रहे थे आंसर सही दे रहे थे अच्छा फोर्टी एट है चलिए कोई बात नहीं इसका पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाके आप मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं वहाँ से आपको ये पी मिल जाएगा ओके और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करा करिए आप लोग और लाइक करके ही सभी लोग जाएंगे फोर्टी लोग लाइव हैं इस समय और सभी लोग लाइक करके जाएंगे ओके ओके बाद में देख लीजिएगा अरविंद जी ट्वेंटी फाइव है मेरा इतना कम कैसे बनी था आप तो आंसर बहुत अच्छा करते हो ऐसे कैसे हो गया फोर्टी फाइव आप भी अच्छा आंसर करते हो कैसे आप लोग का इतना कम होगा कोई नहीं चलिए टेंशन मत लीजिएगा होता रहेगा रिवीजन ओके चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू नीलम फोर्टी फाइव ओके बहुत बढ़िया आंसर सब लोग कर रहे हो बहुत बहुत अच्छा आपने स्कोर किया है चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग और इस समय जानते ही हो धूप बहुत तेज़ हो रही है बाहर आप लोग निकलिएगा नहीं क्योंकि बीमार ही आपको पढ़ना है ओके कोई ज़्यादा ज़रूरत काम पड़े तो बाहर निकल के आप लेकिन ऐसे तो धूप से बचना है चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय टेक केयर